Hello everyone. So we are going to start with our next video on web designing. Let's see today's session. आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि एक लिंक विदाउट एंकर एंड लिंक विद एंकर कैसे वेब पेज पे डिजाइन किया जाता है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह एंकर क्या है. What is the meaning of this anchor specifically for this case? जब भी हम लोग ए टैग यूज करते हैं उसका मतलब एंकर होता है. और मोस्टली इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब भी हमें कोई लिंक क्रिएट करनी होती है वेब पेज में तो हम लोग उसको यूज करते हैं. अभी इसमें हम लोग एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, तो अगर हमारे वेब पेज पे कोई कंटेंट है C1 से लेके C10 तक से या C1 से लेके C20 तक, तो जब भी वो पेज इनिशियली ओपन होगा तो उस पेज पे C1 से C8 या C9 पहले दिखाई देगा. बाद में हमें उसे साइड से, जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जब मैं डाउन करूंगा तब मुझे नीचे का कंटेंट दिखाई देगा, और जैसे ही नीचे कंटेंट करता हूं मैं तो ऊपर का कंटेंट चला जाता है, ऊपर का कंटेंट ऊपर चला जाता है. तो अगर मुझे नीचे का कंटेंट डिस्प्ले होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका प्रोग्राम हमें देखना है. तो उसके लिए क्या है कि मैंने एक फाइल क्रिएट की, कोड क्रिएट किया हुआ है नोट पैड के अंदर, उसको मैंने सेव किया हुआ है 9th.html से सेव किया है. अभी ये प्रोग्राम जो है क्या है देखते हैं हम लोग. तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, मैंने साइड में रन किया हुआ है ऑलरेडी. तो ये 9th.html जो है वो यहाँ पे रन किया, मैं इसको जूम कर लेता हूँ. आप देख सकते हो इसको, तो यहाँ पे ये वेब पेज है जिसपे कि लिंक विदाउट एंकर आया हुआ है, लिंक विद एंकर आया हुआ है. अभी इसका मतलब क्या है और ये कैसे आ रहा है कोड के साथ समझते हैं हम लोग. तो स्टार्टिंग के दो लाइन तो क्लियर है, HTML एंड बॉडी, उसको क्लोज किया नीचे टैग से. अभी ए एंकर के साथ एच रेफरेंस इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा लिंक डॉट HTML. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो ये क्या करेगा, एक लिंक डॉट HTML का लिंक क्रिएट करेगा. उस लिंक का नाम क्या होगा, उस लिंक का नाम होगा लिंक विदाउट एंकर. तो ये जो है ये क्या कर रहा है, लिंक डॉट HTML क्रिएट कर रहा है, एक लिंक क्रिएट कर रहा है जिसका नाम है हम लोगों ने दिया हुआ लिंक विदाउट एंकर. सो लिंक विदाउट एंकर. दूसरा क्या है, एच रेफरेंस इज इक्वल टू लिंक डॉट HTML हैश C10. तो अभी ये लिंक जो है यहाँ पे वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो लिंक हमारा एक नोट पैड का फाइल है जिसपे कि हम लोगों ने कुछ कंटेंट्स लिखे हुए, जैसे कि ये लिंक नाम का मेरा नोट पैड का फाइल है. यहाँ पे मैंने कंटेंट क्या लिया हुआ है, इस फाइल का जो नाम दिया है मैंने लिंक डॉट HTML दिया हुआ है. इसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा है C1, एक चैप्टर का नाम दिया हुआ है Chapter 1 हेडिंग के अंदर, और उसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा है दिस गिव्स इंट्रोडक्शन अबाउट दिस वेब पेज. बाद में नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर C2, Chapter 2 जिसको बोला है मैंने, और उसको ना उसके अंदर कंटेंट है दिस गिव्स बेसिक अबाउट प्लेटफॉर्म वी गिव्स. थर्ड है Chapter 3 हेडिंग है, उसके अंदर कंटेंट जो है दिस गिव्स द डिटेल अबाउट ईच. बाद में Chapter 4 दिस पोर्शन विल गिव्स पिक्स ऑफ ईच मॉड्यूल. देन Chapter 5 दिस गिव्स द वीडियो एंड कॉस्ट ऑफ ईच. Chapter 6 दिस गिव्स इंट्रोडक्शन अबाउट दिस वेब पेज. Chapter 7 Chapter 8 Chapter 9 Chapter 10. सो इस वजह से 10 चैप्टर्स है और उसके अंदर कंटेंट जो है वो यहाँ पे है, और उस फाइल का नाम जो है नोटपैड का वो लिंक डॉट HTML है. अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं इस जो पेज है जिसपे मैंने लिए इस फाइल को लिंक डॉट HTML को यहाँ पे रखा हुआ है, सो लिंक डॉट HTML मतलब वो एक लिंक क्रिएट करेगा. लिंक जो फाइल है उसका वो कहाँ से ओपन करना है हमें, वो एक दूसरे वेब पेज से ओपन करना है, और ये एक लिंक जो है लिंक विदाउट एंकर ये इसका नाम दिया हुआ है लिंक डॉट HTML का, मतलब इस फाइल को जो ओपन करेंगे उसका नाम क्या है लिंक विदाउट एंकर, वो यहाँ पे आ रहा है. दूसरा क्या आ रहा है, लिंक डॉट HTML वही जो लिंक वाला फाइल है उसी को ओपन करना है, बट उसमें हम लोगों ने हैश C10 लगाया है. हैश C10 का मतलब ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, अभी जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये C1 से लेके C9 तक डिस्प्ले हो रहा है, C10 डिस्प्ले नहीं हो रहा है. बट मेरा जो कंटेंट है मुझे चाहिए कि फर्स्ट इंस्टेंट में जब मैं क्लिक करूँ तो पहला जो मुझे चाहिए C10 ही दिखना चाहिए मेरे को. तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं नीचे वाला जो लिंक है लिंक विद एंकर उस पर क्लिक करूंगा तो पहले जो है मुझे C10 यहाँ पे दिखाई दे देगा इस पेज के ऊपर, और C10 को अकोमोडेट करने के लिए जो C1 एंड C2 है वो ऊपर चला गया. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लिंक विदाउट एंकर एंड लिंक विद एंकर. तो यहाँ पे आप एंकर के साथ यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. अगर मैंने सपोज यहाँ पे
कोई और पेज नहीं इंसर्ट किया, नाइन किया सी नाइन, तो वो मेक श्योर करेगा कि सी नाइन डिस्प्ले होना चाहिए। और ये जो फाइल है लिंक विदाउट एंकर, ये कहाँ से आ रहा है, ये नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लिंक विदाउट एंकर दिया हुआ है। और नीचे वाला जो लिंक है, लिंक विद एंकर क्यों आ रहा है यहाँ इसके ऊपर, बिकॉज लिंक विद एंकर, बिकॉज यहाँ पे मैंने नाम दिया है लिंक विद एंकर। तो इसको सेव करेंगे हम लोग, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आ गया। अभी लिंक विदाउट एंकर में जैसे मैंने आपको रन करके दिखाया हुआ है, सी वन से लेकर सी नाइन तक आ रहा है। सी टेन के लिए मुझे इसको स्क्रॉल नीचे करना पड़ेगा, सी टेन आता है। और लिंक विथ एंकर करना होगा तो डायरेक्टली सी टेन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने कोड में सी टेन हैश सी टेन दिया हुआ है करके, ठीक है। अभी यहाँ पे जो कोड है, ये नाम यहाँ पे आ रहा है, ये मालूम पड़ रहा है आपको, हमको लिंक विदाउट एंकर, लिंक विद एंकर। अभी क्या है, ये लिंक डॉट एच टी एम एल क्या है, तो ये हमारा एक फाइल का नाम है जो नोट पैड में क्रिएट किया है हम लोगों ने, और उसके अंदर उसको एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल से सेव किया हुआ है। तो उसके अंदर एग्जैक्टली क्या है, तो लिंक डॉट एच टी एम एल के अंदर ये कोड है जो कि हमें यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग जो फाइल है लिंक, उसको इस फाइल को हम लोग दूसरे वेब पेज पे लिंक के थ्रू ओपन कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज लिंक विदाउट एंकर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंक विद एंकर। थैंक यू।